वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। आपका अल्फा कंप्यूटर में स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर, अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूँ। आज हम कोरल ड्रॉ में पढ़ने वाले हैं बिटमैप मेनू के बारे में। बिटमैप मेनू का मतलब क्या है या बिटमैप किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिटमैप जो है, बिटमैप का मतलब वैसे इमेज होती है, जो हम पोस्टर, जो इमेज, जो पिक्चर जो होती है उसको हम बिटमैप कहते हैं। वैसे बिटमैप अलग अलग टाइप के होते हैं, जो हम जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बिटमैप का मतलब इमेज होता है। इसका मतलब यह है कि भाई हम ये जो इस्तेमाल करेंगे, मतलब बिटमैप मेनू में हम जो भी इस्तेमाल करेंगे वो इमेज के लिए होगा या इमेज पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। अब सबसे पहले इसमें ऑप्शन है कन्वर्ट टू बिटमैप। कन्वर्ट टू बिटमैप का मतलब क्या है कि हम जो ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ये इमेज, ये ऑप्शन किसके ऊपर होगा? इमेज के ऊपर, बिटमैप के ऊपर। किसके ऊपर होगा? बिटमैप के ऊपर। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप किसी इनमें से किसी इफेक्ट को अप्लाई अगर करना चाहते हो तो उसके लिए उसको आपको बिटमैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोई इमेज ले लेते हैं। यहां तो हमने ये इमेज ले ली। अब इस ये क्या है? ये बिटमैप इमेज है। कौन सी इमेज है? बिटमैप इमेज। बिटमैप में जाएंगे, देखिए यहां ये सारे ऑप्शन शुरू हो गए, दिख रहे हैं आपको? अच्छा है, एक चीज और देखिए, यहां भी ये जो ऑप्शन है आपको शुरू दिख रहा है, ओपन है ये। क्यों ओपन है? क्योंकि हमने बिटमैप इमेज लिया हुआ है, उसको सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसी की जगह कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ग्राफिक्स लिया, शेप लिया, ओके। अब हम सेम देखेंगे, देखिए शुरू है क्या यहां के ऑप्शंस? अच्छा एक चीज यहां भी देखते हैं, देखिए शुरू है क्या ऑप्शंस? है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शंस होते हैं वो बिटमैप के ऊपर होते हैं। तो अगर मुझे यहां से कोई ऑप्शन मतलब अप्लाई करना है इसके ऊपर, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? एज अ बिटमैप कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिटमैप में बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? कन्वर्ट टू बिटमैप। कन्वर्ट टू बिटमैप का मतलब क्या है कि ये जो ग्राफिक्स है इसको हम बिटमैप में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट टू बिटमैप, तो ये ऑप्शन आया। अब आपको इसको जो कन्वर्ट बिटमैप में कन्वर्ट करना है, कितने रिजोल्यूशन में करना है? हमने रिजोल्यूशन इसके पहले पढ़ा हुआ है, 300 रिजोल्यूशन, 200 रिजोल्यूशन, ये उसकी क्लियरिटी के लिए होता है। 300 डीपीआई, डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। जैसे आप कोई भी जो डिजाइन बनाते हो, वो डिजाइन अगर जितने ज्यादा डीपीआई में होगी, जितने ज्यादा रिजोल्यूशन में होगी, इसका मतलब वो इमेज उतनी अच्छी होगी। तो जितनी ज्यादा रिजोल्यूशन, जितनी ज्यादा डीपीआई, उतनी वो इमेज अच्छी। तो इसमें कहां से दिया हुआ है? 300 डीपीआई से दिया हुआ है। तो आपको खैर जो भी लेना है आप यहां से ले सकते हैं। आपको कौन से कलर में, मतलब ये जो है उसको कौन से मोड में लेना है, हमने आपको बताया मोड, आरजीबी सीएमवाई के मोड के बारे में बताया हुआ है, तो वो मोड आप यहां से ले सकते हो। उसके बाद चलिए ओके करते हैं। फिलहाल मैं ओके कर देता हूं। तो देखिए ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें? बिटमैप में। अगर ये ग्राफिक्स होता तो यहां से कलर चेंज करने के बाद उसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता? लेकिन देखिए अभी हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ये बिटमैप में कन्वर्ट हो चुका है। और अब मुझे अगर इस पर, इस बिटमैप से कोई ऑप्शन अप्लाई करने हैं, तो देखिए ये शुरू हो गया। और यहां भी देखते हैं, देखिए सारे ऑप्शन शुरू हो गए। तो क्यों हो गया? क्योंकि वो बिटमैप में है। कहने का मतलब कि भाई बिटमैप में हम जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो किसके ऊपर होगा? बिटमैप के ऊपर, मतलब इमेज के ऊपर, समझे? तो कन्वर्ट टू बिटमैप आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम इसको हम फिलहाल में डिलीट कर देते हैं। अब ये जो इमेज है हमारे पास, इस इमेज के ऊपर हम वहां से क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट। तो बिटमैप में जाएंगे, यहां से ऑटो एडजस्टमेंट। ऑटो एडजस्ट का मतलब क्या होता है भाई? आपको क्या करना है? इमेज को एडजस्टमेंट करना है। जैसे लाइट डार्क होता है तो किसी फोटो को लाइट करना है, डार्क करना है, कलर चेंज करना है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आपको चेंज करना है, तो वो जो चीजें हैं वो आप यहां से कर सकते हो। लेकिन ये जो है, ये ऑटो एडजस्ट का मतलब वो खुद ब खुद एडजस्ट करेगा, मतलब आपको उसमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ये वो देने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे? ऑटो एडजस्ट करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ दिखा आपको, हल्का सा कुछ लाइट या डार्क हुआ है। अंडू करता हूं मैं, देखिए है अभी कैसा कलर है, और करने के बाद कैसा हुआ था? इस तरह से हुआ। तो समझ में आया, ऑटो एडजस्ट का मतलब खुद ब खुद क्या करेगा? वो एडजस्ट करेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इमेज एडजस्टमेंट लैब।
भाई आपको इमेज का कलर ये वो सारी चीजें आपको अगर चेंज करनी है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कलरिंग वगैरह, तो आप यहां से भी कर सकते हो। तो देखिए हो रहा है, यहां से सैचुरेट, सैचुरेट का मतलब क्या होता है, एक डिसैचुरेट, डिसैचुरेट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, और सैचुरेट मतलब कितना कलरफुल करना है। तो देखिए मैंने कम किया सैचुरेशन को, तो ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया, और इस साइड में करूंगा तो एकदम कलरफुल, देखिए। तो इस तरह से आप सैचुरेशन जो है वो यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट शेडो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, यहां से चेंज कर सकते हो। ओके, तो इमेज का जो है यहां से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, करना है तो ओके कीजिए, नहीं तो कैंसिल कीजिए। चलिए फिर से बिटमैप में जाएंगे, ये आया, उसके बाद में एडिट बिटमैप। एडिट बिटमैप का मतलब क्या है कि भाई ये जो इमेज है इसको आपको चेंज करना है, पर्टिकुलर कोई कलर चेंज करना है या कुछ और चेंज करना है, तो एडिट बिटमैप में जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ये कोरल है, क्या है, कोरल का ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ, वैसे ही कोरल का फोटो पेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप एडिट बिटमैप करोगे तो कोरल के फोटो पेंट में जाके वो उस इमेज को मतलब ओपन करेगा, और आप वहां चेंज कर सकते हो जो मतलब अभी हमें नहीं करना है। तो अगर आप इमेज की एडिटिंग करना चाहते हो तो आप एडिट बिटमैप में जाके कर सकते हो, लेकिन अभी करेंगे तो होगा नहीं वो, क्योंकि इसमें हमने वो सॉफ्टवेयर डाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नहीं है वो। उसके बाद में क्रॉप बिटमैप, भाई बिटमैप को क्रॉप करना है, काटना है या कुछ, वो आप यहां से कर सकते हो। ट्रेस बिटमैप, ये हमने पढ़ा हुआ है इसके पहले, ट्रेस मतलब कि भाई हमारे जो इमेज है उसको हमें लाइन आर्ट, क्लिप आर्ट किसी में कन्वर्ट करना है, अलग अलग करना है, ताकि आप अलग अलग चीजों को कलर दे सके। जैसे हमने डिजाइन बनाते समय में क्लिप आर्ट को किया था, कई बार किया था,